अफ्रीका से सोना कौड़ियों के भाव भारत लाकर कैसे दोगुने दाम में बेचा जाता है और किस तरह से अफ्रीका के सोने को भारतीय लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कैसे होता है अफ्रीका के गोल्ड का कारोबार और कैसे होती है इसके अंदर दमदार मुनाफा, आज के इस वीडियो में हम आपको तर दर सब कुछ बताने वाले हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि अफ्रीका से सीधे सोना भारत के अंदर नहीं आता, पहले दुबई लाया जाता है और फिर वहां से भारत में लाया जाता है। आखिर इसका पूरा प्रोसेस क्या है, जिस प्रोसेस को जान करके आप खुद भी अफ्रीकन सोना का बिजनेस भारत के अंदर कर सकते हैं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि दुबई के नागरिक सोने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है दोस्तों कि वहाँ पे सोना बिकता भी बहुत ज़्यादा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर सोना सस्ता मिलता है। दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा कि वहाँ पर जो सोने से जुड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल किया जाता है, कई बार सोने से जुड़े बर्तन इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग सोना इतना ज़्यादा मानते हैं कि खाने वाले सामानों में भी कई बार सोने का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ चांदी का इस्तेमाल हो जाता है। तो दुनिया भर में सोने का जो वर्क लगता है वो पूरी दुनिया का 30% मार्केट जो है वो सिर्फ दुबई में है। जरा सोचिए कि 30% मार्केट पहुँचा कैसे होगा। और दोस्तों दुबई हर साल करोड़ों टन सोना दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में दुबई का सोना आता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि दुबई और भारत के बीच जो सोने के प्राइस का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा अंतर है। दोस्तों एक तोले सोने की कीमत भारत में 50,000 से ज़्यादा चल रही है, आज के समय में 60,000 तक चल रही है। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का जो रेट है वो है करीबन 35,000 रुपये के आसपास, यानी कि जब आप देखेंगे तो यहाँ डबल का फर्क है। तो सोचिए कि अगर वहां से कोई सोना लेकर के इंडिया में आता है और बेचता है तो कितनी जबरदस्त कमाई हो सकती है। आखिर दुबई में सोने का रेट कम क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे टैक्स कम लगता है, इसलिए वहां सोना सस्ता मिलता है। और हमारे यहाँ सोना महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पैसा जो है वो टैक्स के रूप में देना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है दोस्तों, और इस वजह से लोग स्मगलिंग भी करते हैं इसका। जी हाँ दोस्तों, सोना हर बार ऑफिशियल तरीके से नहीं आता है, ऑफिशियल तरीके से भी आता है मगर स्मगलिंग करके भी दोनों भारत के अंदर सोना लाया जाता है। आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों एक सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दुबई के पास सोने का खदान तो है नहीं, तो फिर आखिर दुबई के अंदर इतना सोना आता कहाँ से है। तो दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी, लेकिन दुबई में सोने का उत्पादन ना के बराबर है, लेकिन दुबई में सोने का जो कारोबार है वो बहुत बड़ा है और यहाँ 4,000 से ज़्यादा सोने का दुकान है। जरा सोचिए कि 4,000 से ज़्यादा ज्वेलरी शॉप है जो सोना बेच रही है, जहाँ पर हजारों टन सोने का कारोबार जो है वो हो रहा है। और दुबई के सोने की भारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सोना अफ्रीका से लाता है, यानी कि जो सोर्स है दुबई के सोने का वो अफ्रीका का है और इसको दुबई गोल्ड के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में सोने की कई खदानें हैं, यहाँ देश के 1886 से लेकर के अभी तक सोने का उत्पादन हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग के आसपास कई सारे सोने का खदान जो है आपको देखने को मिल जाता है। एक समय दुनिया का जो टोटल गोल्ड प्रोडक्शन है उसका 30% हिस्सा जो है वो सीधे सीधे अफ्रीका से आता था। 2021 और 2022 के बीच में 30 मैट्रिक टन सोने का उत्पादन जो है वो वहाँ पे किया गया था, लेकिन अफ्रीका में सोने की प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग प्लांट और रिफाइनरी की कमी है। गरीब देश है और इस वजह से जो रिसोर्सेज उसका है उसके पास दोहन करने के संसाधन उसके पास नहीं है, ना ज़्यादा पैसा नहीं है जो प्लांट लगा सके, उसको रिफाइन कर सके और वहाँ से निकले हुए सोने को आगे ऊँच दाम पर बेच सके। और यही कारण है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी का कमी के कारण जो है इसका फायदा दुबई उठाता है और वहां से सोने को रॉ के फॉर्मेट में लेता है और यहां से इसको प्योर फॉर्मेट में बना करके आगे बेचता है, जिसकी वजह से आप जो है सस्ते रेट में यहां से सोना खरीद पाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो यह सन 2016 में दुबई में अफ्रीका से 446 टन सोना खरीदा था सिर्फ एक साल में। 446 टन जो है वो सिर्फ एक साल में खरीदा था। जरा सोचिए कि जिसकी कीमत 15 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी। इसके अलावा हर साल सैकड़ों टन सोना अफ्रीका से स्मगल करके दुबई पहुंचता है, थोड़ा वाइट में भी ले आते हैं और बाकी ब्लैक में भी लाते हैं। जिसका वाइट में आता है शायद उसका उससे ज़्यादा डबल में आता है। समझदार लोग हमारी इस बात को समझ गए होंगे, हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन यह धंधा
जैसे चलता है उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब दुबई में सोना पहुँचता है तो वहाँ अलग अलग रूप में होता है, जैसे कि किलोग्राम, ब्रिलियन बार और सोने के बिस्कुट के रूप में, और 24 कैरेट गोल्ड जो है एक चूरे बुरादे के रूप में भी वहाँ पर अवेलेबल होता है। कई बार एयरपोर्ट से सोने का जो बुरादा है वो पकड़ा जाता है स्मगलिंग करने वालों के हाथों से, जो आप दुबई से आते जाते वक्त कई बार न्यूज़पेपर में देखते होंगे। तो सोना का उसका वहाँ छिपाने के लिए कस्टम वगैरह से बचते हुए भी भारत में लाया जाता है और महंगे दाम में बेचा जाता है, और कई बार ऐसा होता है जो पकड़े भी जाते हैं। खबरें आपने ज़रूर सुनी होगी, ये वही सोना होता है लेकिन यह सोना शुद्ध नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अफ्रीका से जो सोना खरीदा जाता है वो पूरा शुद्ध नहीं होता है, इसलिए इसे शुद्ध करने के लिए पैसे लगते हैं, और ये काम जो है वो दुबई करता है और फिर यहाँ से बाकी के देशों में सप्लाई करते हैं। दोस्तों आप कहेंगे कि चलिए यह तो पता चल गया कि दुबई में सोना आता कैसे है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा सोना दुबई से क्यों आता है, यह बड़ा सवाल है। अब दुबई में भारत की एक बड़ी संख्या है जो भारतीयों का है, जो वहाँ पर निवास करते हैं। दुबई में रहने वाले एशियाई लोग जो है केवल 50% भारतीय हैं, और दुबई में भारतीय का निवेश भी बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण से दुबई के सोना बाज़ार में सबसे ज़्यादा खरीदार भारत से आते हैं, और दुबई के सोना को ला करके यहाँ पर, और दुबई के सोना का यहाँ पर क्रेज़ भी है, क्योंकि दुबई का सोना विश्व का सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, और यहाँ दुकानदार अपने सोने की शुद्धता के लिए हॉलमार्क लगाना भी जरूरी होता है। यदि आप जो सोना खरीदते हैं उस पर दुबई की एक छाप लगेगी तो यह बताया जाएगा कि इस सोना में कितना सोना एग्जैक्टली मौजूद है, और इसलिए लोग दुबई के सोना को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, विश्वसनीयता के आधार पर पसंद करते हैं। उसको मालूम है कि दुबई के नियम कड़े हैं, इसलिए वहाँ पर जो सील होगी या जो ब्रांड नेम लगा होगा वो फर्जी नहीं होगा, वो प्योर होगा, क्योंकि वहाँ पर रूल्स इतनी ज़बरदस्त है दोस्तों कि अगर आप ऐसा करते पकड़े जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कानूनी तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों जहाँ तक शुद्धता की बात है तो दुबई के सोने में जो ट्रेडमार्क की गई होती है उसके चक्कर में लोग वहाँ पर सोना खरीदना पसंद करते हैं। दुबई से दूसरे देशों में भी लीगल तरीके से सोना जाता है, और एक वक्त ऐसा भी आता है दोस्तों जहाँ पर कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए एक व्यक्ति को के 1 किलो से ज़्यादा सोना लेकर के नहीं जा सकता, इसलिए दुबई से लोग भारी मात्रा में सोना को स्मगल करके भी भारत में लाया जाता है। दोस्तों सोने के इस सफ़र को आपने देख लिया कि कैसे सोना को अफ्रीका के खदानों से उठा करके दुबई लाया जाता है और दुबई से फिर आपके आसपास पहुंचता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है जानना जो बहुत ज़रूरी है कि सोने से जेवर कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि सोने का सबसे खूबसूरत और महीन डिज़ाइन बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले चेन की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि चेन एक ऐसा जेवर है जो मर्दों और औरतों दोनों को भी आसानी से मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर गोल्ड का चेन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों पहले के जो ज़माना था उसमें लोग जो है चेन को बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे, वहाँ पर हाथों से उसका डिज़ाइन किया जाता था। सोने के पतले तार में पहले बदला जाता है और उसको पिघलाने के बाद उसको साँचे में ढाला जाता है और फिर पतली रॉड बनाई जाती है और उसके बाद पतले तारों से आपका जो है जेवर बनाए जाते थे। लेकिन अब के समय में डाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, बार बार सोने के तार को पतले पतले छेदों से निकाला जाता है जिसकी वजह से तार पतला होता जाता है और उसे पलटकर स्प्रिंग की तरफ बनाया जाता है और फिर उसका सिर काट दिया जाता है और फिर इस तरह से आप जो है इसके डिजाइन्स को तैयार कर सकते हैं, जिससे कुंडे तैयार हो जाते हैं और इनको आपस में जोड़ करके फिर इनको गर्म करके चिपकाया जाता है और चेन बना दिया जाता है। वैसे इनका जो है दोनों तरीके से काम होता है, एक मशीनरी से भी होता है और दूसरा आप चाहें तो हैंडमेड भी बना सकते हैं। आज के समय में एडवांस मशीनों की मदद से बहुत कम समय में नाजुक से नाजुक और खूबसूरत चेन बन करके तैयार हो जाती है। लेकिन अगर बात नेकलेस की आती है तो आज ज़्यादातर हाथों से ही काम किया जाता है, नेकलेस को बनाने में बहुत ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होता है। तो सबसे पहले कारीगर अपने डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग पीसें तैयार करता है, उसके बाद से इस पीस को आपस में जोड़ा जाता है और उसे एक अलग तरह के गम का प्रयोग किया जाता है। ये गम अच्छी तरह से सूख जाते हैं और उसे आग के प्रेशर के साथ इसको गर्म किया जाता है और फिर ये बनकर नेकलेस तैयार हो जाता है, जो किसी भी नाजुक गले की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और अब इस तरह से हार को बनाया जाता है, लेकिन जब तक हाथों में सोने की कंगन ना हो और दुल्हन के श्रृंगार पूरा नहीं हो पाता है तो इसको भी बनाने का तरीका जो है कुछ ऐसा ही है दोस्तों, जहां पर पतली पतली पत्तियां बना ली जाती है और उसे हाई प्रेशर रोलिंग मशीन के सामने गुजारा जाता है और इसके बाद से ये जो है वो बन करके तैयार हो जाता है और फिर ये आपके घरों तक मौजूद हो जाता है। तो दोस्तों
आपने इस वीडियो में समझ लिया कि किस तरह से सोने को भारत में मंगाया जाता है और भारत में मंगाने के बाद इसकी किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसी सोने को 10 ग्राम के हिसाब से, तोले के हिसाब से आता है, वो जो है आपको 70,000 रुपये तक का मार्केट के अंदर बेचा जाता है और यहाँ से डबल मुनाफा कमाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो इस वीडियो में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय भारत।